छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम एवं अन्य प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में यूनियन का वार्षिक सम्मेलन गरियाबंद के वन विभाग में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम द्वारा पत्रकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर खास चर्चा करते हुए कहा गया कि यह केवल एक यूनियन नहीं बल्कि एक परिवार है और वे इस परिवार के मुखिया के रूप में पत्रकारों पर होने वाली हर यातना में उनके साथ खड़े रहेंगे। साथ ही उपस्थित सभी पदाधिकारियों को एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाकर कार्य किए जाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के महासचिव सेवक दास दीवान द्वारा भी यूनियन की मजबूती तथा सभी पत्रकार साथी को एक साथ परिवार की तरह मिलकर कार्य करने को मार्गदर्शन किया गया। इस सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष सहित प्रदेश सचिव व सह सचिव ने भी संगठन से जुड़ी विभिन्न विषयों पर बातें कहते हुए अनेक मुद्दों प्रकरणों एवं पद प्रतिष्ठा सहभागिता पर विशेष प्रकाश डाला। गरियाबंद जिलाध्यक्ष हिमांशु संघाणी द्वारा पत्रकारों के हित में अहम मुद्दों पर जिनमें बीमा या पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा गया। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम, प्रदेश महासचिव सेवक दास दीवान तथा प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों द्वारा संभाग एवं जिला के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनमें सुनील यादव गरियाबंद एवं देवेंद्र ठाकुर देवभोग को रायपुर संभाग का सचिव तथा गरियाबंद जिला संरक्षक जीवन एस साहू तथा जिला कोषाध्यक्ष गरियाबंद के विजय साहू को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर हिमांशु संघाणी, हेमंत त्रिपुड़े, जाकिर रिजवी, सुनील यादव, देवेंद्र ठाकुर, विजय साहू, अमित बखरिया आदि मौजूद रहे। गरियाबंद से राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.